काली घाटी में सिम्बा और नाला आ चुके हैं और लकड़ बग्घों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। जाजू कहता है कि अगर तुमने इन्हें मारा तो महाराज मुफासा तुम्हारे लाशों के ढेर लगा देंगे। शेंजी कहती है कि लकड़ बग्घे और शेरों की जंग तो हमेशा से चलती आ रही है, लेकिन आज इसको खाकर इन शेरों का वंश खत्म कर देंगे, और वो हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी जाजू उन पे हमला कर देता है और सिम्बा को भागने के लिए कहता है। सिम्बा और नाला भागते हुए एक छोटी सी सुरंग में चले जाते हैं। सभी लकड़ बग्घे उन्हें ढूंढने लगते हैं। सिम्बा और नाला भाग रहे होते हैं तभी वो दूसरे सुरंग से निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद सभी लकड़ बग्घे उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहाँ पे सिम्बा के पप्पा जी यानी कि मुफासा की एंट्री होती है और वो सबको मारते हुए आता है। सब लकड़ बग्घे मुफासा से डर के पीछे हो जाते हैं, कहीं ये गलत सलत जगह पे काट ना ले। अब वो शेंजी की तरफ देख के कहता है, अगर मेरे बेटे की तरफ आग भी उठा के देखा तो ये तुम्हारा चांद सा चेहरा चबा के थूकूंगा भी नहीं। शेंजी कहते हैं, हम तो बस तुम्हारे बच्चों के साथ मजाक कर रहे थे। सिम्बा कहता है, ना जी पप्पा जी, ये तो काटने को दूर रही थी, झूठ बोल रही बिल्कुल।